हिंदी में करें, इंग्लिश में करें? हिंदी में सर, अच्छा। हिंदी में ठीक है, तो लोग समझ लेंगे आपको। करें शुरू। सांबा जिले में पुलिस ने चोरों के विरुद्ध एक बड़ा अभियान छेड़ा है और यह अभियान इंटेंसिव ड्राइव अगेंस्ट थीव्स कहा जाएगा और ये अभियान जिले में हर स्थान पर एट ए टाइम चल रहा है। कई स्थानों पर छापे लगा जा रहे हैं और कई जगहों पर भिन्न भिन्न टीमें भेजी गई हैं और ज़िले के अंदर जितने भी पिछले चोरियों के केसेस हैं और जितने नई जगह वल्नरेबल प्लेसेस हैं जहां पे चोरियां होने की आशंका है, वहां पे ये सारे ट्रैप लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी केस जो चोरी के संबंधित केस है वह मामला अनसुलझा ना रहे और जो चोर हैं वह सलाखों के पीछे पहुंच पाएँ और उनको जांच के घेरे में लेकर अच्छे तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको गिरफ्तार करने के बाद जेल में भिजवाया जाए और उनको सजा दिलवाई जाए। और इसी ऑपरेशन इसी अभियान के तहत अभी तक 5 चोरों को पकड़ा गया है और 2 मामले सुलझा दिए गए हैं और लाखों रुपए की चोरी की हुई प्रॉपर्टी बरामद की गई है। ये बड़ी ब्रह्मणा पुलिस स्टेशन में जो रजिस्टर हुए थे दोनों केसेस सॉल्व हुए हैं और आगे जो हैं छापेमारी की जा रही है और बड़ा प्रोफेशनल ढंग से एक नई रणनीति बनाई गई है जिसका खुलासा तो नहीं किया जा सकता परंतु जिसके तहत पुलिस को चलना है और पुलिस को उसके बारे में जो उचित जो ब्रीफिंग थी वो दी गई है। अब स्वयं जो गस्टर्ड पुलिस अधिकारी हैं वे अपने अपने अधीन जहाँ जहाँ भी उनके क्षेत्र हैं अपनी ज्यूरिस्डिक्शन में स्वयं जाकर मौके पर ही वहाँ पे निर्देश देंगे अपनी टीम के साथ और यहाँ पे उचित हुआ तो वहाँ पे लिखित में आगे कार्रवाई करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम पिरमे और संभव हो पाए 24 घंटे के अंदर सारे एविडेंस कलेक्ट करके गिरफ्तारियां भी करेंगे और प्रॉपर्टी भी बरामद करेंगे और आगे की जो कार्रवाई होगी वो लाएंगे। और अब जनता से यही अनुरोध है और जनता से निवेदन की जाती है आपके माध्यम से कि वे पुलिस का हर स्थान पर ज़िले में कहीं भी है, कोई चौकी अधिकारी है, चौकी अफसर है, कोई थाना प्रभारी है, जो छोटे से छोटा भी हमारा कोई अधिकारी है, छोटे से छोटा हमारा ऑफिशियल है, वह जब खाकी में होता है तो उसके साथ देश का कानून चलता है। हमारे किसी भी खाकीदारी को देश का प्रतिनिधि समझिए और देश के कानून का एक विजिबल एक अंग समझिए, उसका एक नुमाइंदा समझिए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ सहयोग करें ताकि आपका सहयोग जो है राष्ट्र के नाम और समाज के नाम सहयोग जा पाए और जितने भी गलत लोग हैं खास करके जो चोर हैं वे पकड़े जाएं। चोर कहां से आते हैं, चोर क्या क्या गतिविधियां करते हैं, चोरों की कब कब मूवमेंट्स होती है, चोर किस रूप में कौन संदिग्ध उस एरिया से गया था, ये जनता भली भांति जानती है और जनता को पुलिस से भी पहले पता चलता है और जनता 80% ऐसे केसेस हैं जो जनता के पास फैक्ट्स आते हैं और वे करती है और ये चीज़ कानून में भी है कि जनता के साथ पुलिस को मिलकर के नाके लगाने और ठिकरी पैरा कहते हैं कई जगहों पर और प्रकार के पैरे होते हैं जो नाके होते हैं उसमें जनता भी कोऑपरेट करती है और कोऑपरेट करती रही और यहाँ पे प्रैक्टिकली करती रहती।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लिखित में कैसे होता है, ये तो प्रैक्टिकली होता है कि जनता चाहती है कि साथ दें और जनता साथ देती रही और जनता जो है साथ होकर के मामले सुलझाती है। अब जो है सुलझाने का मौका आ गया है और कोई भी चोर रह ना पाए, कोई भी चोरी जो है अनसुलझी ना रह जाए, कोई भी जो है आगे किसी जान माल की खास करके माल का नुकसान ना हो। देखिए पुलिस का प्रथम जो कर्तव्य है वह है किसी की जान की रक्षा करना और किसी के माल की रक्षा करना, और माल की रक्षा नहीं कर पाए तो जनता प्रश्न उठाती है, जनता पुलिस की योग्यता पर भी कभी कभी प्रश्न उठाती है, और जनता को ऐसा लगता है कि शायद ये पुलिस वाले इस मामले को सुलझा भी सकते हैं कि नहीं, क्या इस प्रकार का ये इतना कैलिबर कैपेबिलिटीज रखते भी हैं कि नहीं रखते हैं, इसलिए किसी दूसरी एजेंसी के पास ये जांच होती तो शायद चोर पकड़े जाते, अपराधी पकड़े जाते, लेकिन पुलिस वाले जो हैं ये अपराधी नहीं पकड़ेंगे, या फिर पकड़ेंगे तो जांच जो है अच्छी तरीके से नहीं करेंगे, और या फिर कुछ चोरों को छोड़ देंगे, कुछ अपराधियों को छोड़ देंगे। अब जो है इस प्रकार के बड़े स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं सभी अधिकारियों को, सभी पुलिस अधिकारी जो हमारे ज़िले के हैं, सांबा ज़िले के हैं, उनको बता दिया गया है कि पॉलिसी बहुत स्पष्ट होगी, नीति बहुत स्पष्ट होगी कि किसी भी रूप में कोई भी अबेट नहीं करेगा चोरों को, कोई भी बख्शेगा नहीं चोरों को, और जो चोरी का सामान खरीदेगा वह भी सलाखों के पीछे जाएगा और तत्काल जाएगा और फटाफट जाएगा और उसमें देरी किसी प्रकार की नहीं होगी। हमें जो है प्रत्यक्ष रूप से जस्टिस चाहिए और इंसाफ जो है वो देखते देख दिखना भी चाहिए और जनता को पता चलना चाहिए कि काम हो रहा है। बातों में काम नहीं करेंगे, काम करके दिखाएंगे और काम जो है सामने आएगा। हमारी पुलिस जो है एक्टिव हो चुकी है और इसमें जो है सभी ने जो रणनीति बनाई है जो वो बहुत अच्छे तरीके से बनाई है, और इस प्रकार की सांबा जिले के अंदर जो रणनीति बनी है मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा ये अनुमान है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभावी ढंग से आगे इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि जो ही अभियान ये छिड़ा है तो अभियान छिड़ने के 24 घंटे के अंदर 5 चोर पकड़े गए हैं, 2 मामले सुलझ गए हैं, तो मुझे ये पूर्ण आशा है कि बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र हम कामयाब होंगे कि जिले के अंदर चोरियों का फर्दर जो सिलसिला है वह भी बंद हो जाएगा और पिछले जो मामले हैं वे भी सारे सुलझ जाएंगे और चोर जितने भी इन्वॉल्व थे सारे पकड़े जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।